नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओम अलिम बगला मुखी सर्दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिवाम कीलय बुद्धिम विनाशय हरिम ओम स्वाहा। तो दर्शकों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आज का शुभ संयोग भी आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ खास संयोग आज के दिन हो रहा है। और साथ ही साथ आज जो हमारी विशेष चर्चा है वो है लहसुन प्याज पर, क्योंकि हर कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है, लेकिन जो खाते हैं वो अब ध्यान से खाना शुरू करें, क्योंकि ये आपके ग्रहों से संबंधित होता है। तो ये कैसे प्रभावित आपके ग्रहों को करता है और क्या कुछ चमत्कारिक उपाय लहसुन और प्याज के हो सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपकी समस्याओं के समाधान भी हम आपको देंगे। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं पंडित जी, सबसे पहले आज का शुभ संयोग जानना चाहेंगे। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स में हम बात करेंगे आज प्याज और लहसुन के चमत्कारिक उपायों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि किन्हें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइएगे आज के महा उपाय। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप पूरा इस एपिसोड को देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 30 अगस्त 2019 को भाद्रपद मास की अमावस तिथि है। आज अमावस्या है, आज कुशा ग्रहणी अमावस्या है, देव पितृकार्य अमावस्या बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। आज की अमावस्या आपके सभी कष्टों को दूर करने वाली हो सकती है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली हो सकती है, आपको गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाने वाली हो सकती है, आपके सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली हो सकती है। बिल्कुल, तो किस तरह से ये शुभ संयोग आज का है ये तो आपको बता दिया पंडित जी ने, और आगे भी बात करेंगे, लेकिन विशेष चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले वंदना जी का कॉल लेते हैं, माफ कीजिएगा, उमा जी का कॉल लेते हैं। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। गुरु जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने चाह रही थी। मेरी बेटी की जन्म तिथि है 26 फरवरी 1988। 26 फरवरी 1988 सुबह के 1:30 बजे यानी अर्ली मॉर्निंग, 25 की रात और 26 की मॉर्निंग। जी बेटा, प्रश्न पूछो। हाँ, ये प्रश्न मेरा ये है कि उसका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मतलब वो सुस्ती सुस्ती सी में रहती है, एनर्जी नहीं रहती है शरीर में। देखिए, उसका माइंड का पता नहीं चलता, पता नहीं अंदर अंदर घुटती रहती है वो। देखिए बेटा, दो चीज़ें हैं आपकी बिटिया की जन्म कुंडली के अंदर। पहला तो मक्षय नक्षत्र का इसका जन्म है और सोने के पाए में बच्ची पैदा हुई है। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि इसके चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। सूर्य और राहु यदि चतुर्थ भाव में हो जाते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, पितृदोष बन जाता है। तो मन के स्थान पर ग्रहण योग होने के कारण अंदर ही अंदर ऐसे लोग घुटते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर चलता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पितृदोष है, इसलिए पितरों के निमित्त इसके पिता को पूजा करवानी चाहिए इस बिटिया के नाम से, कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली के मध्य जो पितृदोष है उसके निमित्त मैं पूजा कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। दूसरा, इसके द्वितीय भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि और मंगल जब साथ होकर बैठ जाते एक ही घर में, एक ही कमरे में, तो ऐसे जातक या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया का जीवन सुख में रहे तो अपने किसी योग्य आचार्य से बात कर लीजिएगा। खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी पेड़ के डंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवाइए। अपने घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। आज अमावस्या, कुछ भी मीठा बना के पितरों का भोग लगाइए और बच्चों में बांट दीजिए। ये उपाय कीजिएगा, आपकी बच्ची बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं उमा जी कि आपकी बेटी के लिए जो आप पूछना चाह रही थी, उपाय चाह रही थी, वो उपाय आपको मिल गए होंगे। और ये उपाय कीजिएगा, अमावस का आज जो दिन है इसका खास ध्यान रखिएगा।
और आगे पंडित जी अभिजीत जी का कॉल लेते हैं, जयपुर से जुड़ गए हैं। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, खुश रहिए। मैं अपनी बहन के बारे में पंडित जानना चाहता हूँ। बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1992 मंगलवार को 3:15 28 जुलाई 1992 समय क्या बताया? 3:15 दोपहर या सुबह? सुबह के समय, शेष रात्रि में है, रात का समय। प्रश्न पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरी दीदी की शादी हुए 4 साल हो गए, उनको कोई बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, और ये भी जानना चाहता हूँ कि उनके जो हस्बैंड है उनकी कहीं जॉब नहीं लग पा रही है, उनका कहीं मन नहीं लग रहा जॉब करने में, इसके लिए पंडित जी कोई उपाय बताइए। उनका बच्चा कब तक होगा? देखिए, जहाँ तक आपके सिस्टर की जन्म कुंडली का सवाल है, आप अगर आपके जो सिस्टर के हस्बैंड है, आपके जीजाजी, अगर उनकी कुंडली भी बताते तो शायद साथ रहता। और बड़ी हमारे एक समाज की विडंबना है कि संतान अगर सुख देखा जाता है तो स्त्री की कुंडली से देखा जाता है। ऐसा क्यों भाई? संतान सुख प्राप्त होता है पुरुष की कुंडली से। अगर पुरुष की कुंडली में संतान सुख नहीं है तो महिला क्या करेगी, पत्नी क्या करेगी? तो हमें पति की कुंडली अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो आपके अभी सिस्टर को शनि की महादशा चल रही है, इनके दांपत्य घर का स्वामी राहु है और साथ में संतान घर का स्वामी शुक्र है। बहुत जल्दी इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी, अगले वर्ष 2020 में निश्चित तौर पर इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जहाँ तक जया जी का पति भाव का इनका स्वामी है, तो वो राहु वहाँ बैठने के कारण उनके नौकरी व्यापार में उतार चढ़ाव करता है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। आपके सिस्टर को बोले नियमित रूप से पितरों की आराधना करें, एक चांदी की गाय ला के घर में रख लें बछड़े समेत, और नियमित रूप से 11, 21, 51, 108 उस गाय की परिक्रमा करें। ओम सुरभ्य नमः, ओम सुरभ्य नमः, इस मंत्र के जाप के साथ, इस प्रार्थना के साथ में कि जिस तरीके से आप अपने संतान को लाड लड़ा रही है, वैसा ही सौभाग्य मुझे भी प्रदान करें। 40 दिन ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर आपके सिस्टर को संतान सुख प्राप्त होगा। जी और पंडित जी, अब हमारी विशेष चर्चा का रुख करते हैं, चूंकि आज हम लहसुन प्याज पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि कई लोग तो खाते हैं और कई लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग खाते हैं और जिन लोगों को नहीं खाना चाहिए, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इनका ग्रहों से क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों, क्या आप राहु केतु के उतार चढ़ाव से, फ्लक्चुएशन से परेशान हैं? क्या आप प्याज लहसुन खाते हैं या आपके घर में प्याज लहसुन नहीं आता है? पंडितों को, ब्राह्मणों को, पूजा पाठियों को क्यों लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कथा है? प्याज और लहसुन के क्या है चमत्कारी उपाय? आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको बताएंगे। तो कागज कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए। सबसे पहले जान लेते हैं लहसुन और प्याज का ग्रहों से क्या संबंध है। लहसुन और प्याज का ग्रहों से क्या संबंध है? समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु जो है, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था और राक्षस के रूप में राहु केतु वहाँ पे जो मौजूद थे, जिन्होंने अमृत पी लिया था, तो राहु केतु के सिर काट डाले थे सुदर्शन चक्र से। इस दौरान क्या हुआ, राहु और केतु के कटे हुए जो सिर थे, उसमें से अमृत की कुछ बूंदे राहु केतु ने अमृत देवताओं से छल करके अमृत पी लिया था, और उसमें से जब उन्होंने सिर काट दिया भगवान विष्णु ने, तो उनके कटे हुए सिरों में से अमृत की कुछ बूंदे धरती के ऊपर गिर गई, पृथ्वी के ऊपर गिरी। ऐसा कहा जाता है कि लहसुन और प्याज इन्हीं अमृत की बूंदों की उपज है, लहसुन और प्याज इन्हीं अमृत की बूंदों की उपज है। तो चूंकि अमृत से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए, इसलिए ये रोगों और रोगाणुओं से लड़ने में संजीवनी बूटी का काम करते हैं। लेकिन राक्षसों के मुख से में चले जाने के कारण इनमें तेज दुर्गंध आती है, अतः इसी वजह से लहसुन, दुर्गंध की वजह से लहसुन और प्याज को अशुद्ध भोजन माना गया है। बिल्कुल, तो क्या कुछ कारण है, क्या पौराणिक जो कथा है वो क्या कुछ कहती है, ये तो पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, अब जैसा कि लहसुन प्याज की आप बात कर ही रहे हैं, आज आप हमें बताने वाले हैं कि ग्रहों से क्या संबंध है, तो अब इसके चमत्कारिक उपाय क्या कुछ खास हैं? जी आइए, अब समझ लेते हैं लहसुन और प्याज के चमत्कारिक उपाय। नोट करते जाइएगा, राहु केतु अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब है, राहु केतु यदि अशुभ स्थिति में बैठे हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम,
शुगर, ब्लड प्रेशर, पाइल्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में अगर विपरीत परिस्थिति में बैठा, अशुभ स्थिति में बैठा है, वहीं यदि केतु अगर अशुभ स्थिति में है तो जोड़ों के दर्द से आपको परेशान होना पड़ता है। तो राहु केतु यदि अशुभ स्थान पर हैं, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में क्लॉटिंग, खून का थक्का जमना, उसकी भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में राहु केतु की शांति के लिए लहसुन प्याज के उपाय अवश्य करने चाहिए। लहसुन की कलियों की, लहसुन की जो कलियां होती हैं उनकी कलियों की माला बनाकर यदि गले में धारण करने से राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिन यदि लहसुन की कलियों की माला बना लें और गले में धारण कर लें तो राहु केतु के अशुभ प्रभावों से, अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिल सकती है। वहीं यदि प्याज की गांठ को, प्याज की जो गांठ होती है उसको काले कपड़े में बांध लें, काले कपड़े में बांध के सीधे हाथ की बाजू में यदि आप उसको बांध ले तो राहु केतु के अशुभ प्रभावों से, अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिल सकती है। लहसुन की कलियों से भी और प्याज से भी राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हों, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद में भी ये ठीक नहीं हो रहे, तो जब भी रोगी को बेहोशी का समय आए या मिर्गी का दौरा पड़े तो उस वक्त एक प्याज के दो टुकड़े कर दीजिए। एक प्याज के दो टुकड़े करके जो भी रोगी है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा है या बेहोशी का दौरा पड़ा है उसको सूंघा दीजिए, उसके नाक के पास रख के उसको सूंघा दीजिए। सूंघाने के पश्चात उन दोनों टुकड़ों को दक्षिण दिशा के अंदर फेंक दीजिए, दक्षिण दिशा में उसको फेंक दीजिए। आप ये चमत्कारिक उपाय करेंगे आप देखेंगे कि आगे से भविष्य में न तो बेहोशी का दौरा पड़ेगा न मिर्गी का दौरा पड़ेगा। एक बार प्याज के दोनों टुकड़ों को सूंघा के दक्षिण दिशा में फेंकने से मिर्गी के दौरों के अंदर बहुत आराम मिलेगा, बेहोशी के दौरों में बहुत आराम मिलेगा। वहीं अगर बहुत ज़्यादा आपको डरावने सपने आते हों, रात में आप डर जाते हों, नींद नहीं आती है, तो प्याज को अपने सिरहाने के पास में रख के सो जाइए। अगर प्याज को अपने सिरहाने के पास में रख के सोते हैं साइलेंट नींद आती है, अच्छी नींद आती है, डरावने सपने नहीं आते। रात को सोएंगे तो सुबह ही नींद खुलेगी, करके देखिएगा, अजमा के देखिएगा। वहीं यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल रहता हो, कलह कलेश रहता हो, तू तू मैं बनी रहती हो, घर के सदस्यों के अंदर वैचारिक मतभेद बना रहता हो, तो इसका उपाय भी प्याज और लहसुन के पास में है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। बगैर खर्चे के उपाय हैं जिनमें शायद 2-4-5 रुपए का भी खर्चा नहीं है, आप आजमा के देखिएगा। इस आपके पसंदीदा शो में हम जो उपाय बताते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे उपाय जो हैं विदाउट एक्सपेंसेस हैं। तो यदि घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता हो, अशांति रहती हो, तू तू मैं रहती हो, तो एक प्याज और लहसुन को पूरे घर में घुमाकर, लहसुन और प्याज को पूरे घर में 11 बार घुमाकर आपके घर के बाहर जहाँ पे भी कच्ची जमीन मिले उसमें एक हाथ खड्डा खोद के उसको गाड़ दीजिए। आपके घर का क्लेश तू तू मैं परमानेंट खत्म हो जाएगा, करके देखिए। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं अगर घर में शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, या चाहते हैं कि चैन की नींद आए, या चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका झट से खत्म हो जाए। तो ये कुछ लहसुन प्याज के उपाय हैं, अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, और खाने का ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए आप इनको उपयोग में तो ला ही सकते हैं। पंडित जी आगे माला माल कैसे बनाएगा लहसुन प्याज ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लोकेश जी का कॉल लेते हैं, कोटा से जुड़ गए और अपनी बहन नीलम के लिए जानना चाहते हैं। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। हेलो जी बेटा बोली जी, तारीख समय बताएं जी। नाम मेरी पूरा नीलम कश्यप और समय है 15 मार्च 1993 रात्रि 2:30 बजे। 15 मार्च 1993 और 15 की सुबह, नहीं 16 की सुबह। 16 की सुबह प्रश्न पूछिए बेटा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पंडित जी, जैसे इनके रिश्ते आते हैं जी, वो देख तो जाते हैं बाकी कोई जवाब नहीं देते वापस। आपने इनकी मूल शांति करवाई थी क्या?
जी करवाइए ना पंडित जी। ठीक है बेटा, देखिए जहाँ तक आपकी सिस्टर की जन्म कुंडली का सवाल है, पहली चीज़ तो यह है कि ये बच्ची मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है, पैदा होते ही 27वें दिन इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। दूसरा, अभी इनको सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा में भी अभी विशेष तौर पर बुध का अंतर है, लेकिन इनके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है बुध, वो अस्त होके बैठा है। अस्त मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, और मांगलिक कुंडली है तो मंगल होने के कारण मांगलिक लड़का ही इनके लिए ढूंढना बहुत जरूरी है, और चूंकि दाम्पत्य घर का स्वामी बुध अस्त है जिसके कारण विवाह सुख में कमी आ रही है, तो अस्त को उदय कैसे करें? एक पन्ना रत्न, 6.5 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में, एमरेल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पन्ना, 6.5 रत्ती का सोने में सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में इनको धारण करवा दीजिए। दूसरा, खूब इनको हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, हरी चद्दर पे सुलाइए। तीसरा, वजन के बराबर गुड़ का दान बुधवार के दिन गौशाला के अंदर करवाइए। चौथा, इनको बोलिए कि तुलसी जी की और केले को, तुलसी और केला दोनों एक साथ में रख दें, दो गमलों को एक साथ, और प्रतिदिन 11, 21, 51, 108 उसकी परिक्रमा करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः भगवान का नाम लेते हुए करें। अगले 6 महीने में इनका विवाह तय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो किस तरह से आपकी बहन का जल्दी से विवाह होगा, शादी होगी, उसके उपाय लोकेश जी बता दिए हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से आपकी बहन का विवाह भी हो जाएगा। बहुत बड़ी नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी से अच्छी सी शादी होगी, सुयोग्य वर भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर दर्शकों आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा आए, खूब सारा धन वर्षा हो, तो उसके लिए लहसुन प्याज के क्या उपाय आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं घर में यूज आने वाला, आपके किचन में मददगार साबित होने वाले लहसुन प्याज की, जिसे आप बीमारियों में तो यूज करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है इससे आप माला माल भी हो सकते हैं, धन वर्षा भी आपके हो सकते हैं। तो पंडित जी आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, लहसुन प्याज पर। आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से घर में शांति आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी खत्म हो सकता है, माला माल कैसे बन सकते हैं हम? बिल्कुल, आइए आप, आपको मालामाल बनाने वाले कुछ रेमेडीज बताता हूँ। तो क्या आपने कभी सुना है कि लहसुन की छोटी कलियाँ, लहसुन की छोटी छोटी कलियाँ आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर आपको अमीर बना सकती है, अरबपति बना सकती है? तो आइए जानते हैं बगैर समय गवाएं लहसुन के कुछ चमत्कारिक टोटके जो आपको मालामाल कर सकते हैं। करना क्या है, शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रख लें, शनिवार के दिन अपने पर्स में लहसुन की एक कली रख लें, इस कली को चाहें तो हर शनिवार को बदल दें। आप अपने कैश काउंटर में, गले के अंदर, तिजोरी में भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, एक लहसुन की कली पूरे सप्ताह आपके पर्स को, आपके कैश काउंटर को, आपकी अलमारी को, आपकी तिजोरी को धन से परिपूर्ण रखेगी। अगले सप्ताह उस कली को चेंज कर दीजिएगा। वही यदि हमारे ऐसे दर्शक, बहुत सारे दर्शक हैं जिनकी शिकायत रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, तो यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा हो, पैसा आता तो है लेकिन पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है, तो उपाय क्या करें? तो लहसुन की कली में छुपा है आपका ये उपाय। तो यदि आपके पास पैसा टिकता नहीं हो, बरकत नहीं रहती हो, जल्दी जल्दी खर्च हो जाता हो, तो अपने घर में, अपने दुकान में जो भी आपने तिजोरी रखी हो, कैश काउंटर रखा हो, उसमें लहसुन को एक लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। एक लहसुन को लाल कपड़े में लपेट कर रख दें, इससे धन उसके अंदर टिका रहेगा। तो वीकली भी कर सकते हैं, मंगल मंगलवार ये कर सकते हैं, करके देखिएगा, आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर, आपकी धन की अलमारी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी, भरी रहेगी, धन का भंडार भरा रहेगा। वही यदि धन की बहुत ज्यादा तंगी रहती हो, हमेशा ठन ठन गोपाल बने रहते हो, तो भी लहसुन आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता है। कैसे, आइए जान लेते हैं। तो धन की बहुत ज्यादा, पैसों की, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी रहती हो,
और रुपए पैसे की तंगी के कारण बहुत सारा अपने सपनों को मार देते हैं, मन को मार देते हैं। तो लहसुन की दो कलियां लीजिएगा, लहसुन की दो कलियां एक लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिएगा, लहसुन की दो कलियां लाल रंग के कपड़े में पोटली बना लीजिएगा, उसकी बांध लीजिएगा और उस पोटली को अपने घर के आंगन में जमीन में गाड़ दीजिएगा। अपने घर के आंगन की कच्ची जमीन में उसको गाड़ दीजिएगा, इससे आपके धन में जबरदस्त वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। वही हमारे व्यापारी दर्शक, बिजनेसमैन दर्शक, जिनके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, व्यापार बंद होने के कगार पे आके खड़ा हो गया हो, सुबह से शाम तक दुकान में जाते तो हैं लेकिन ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं, ग्राहक आते तो हैं लेकिन बगैर लिए चले जाते हैं, तो 5-7 लहसुन की कलियों को एक कपड़े में बांध लीजिएगा। संभव हो तो काले कपड़े में बांधिएगा, अपने दुकान, अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने शोरूम के मुख्य दरवाजे पर उसको टांग दीजिएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार भी चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अगर घर की महिलाएं घर से दरिद्रता को दूर करना चाहती हैं तो लहसुन से बर्तनों को साफ करना शुरू कीजिए। लहसुन से बर्तनों को साफ करती हैं तो आपके घर में, आपके रसोई घर में, आपके बर्तनों में जिनमें आप खाना खाते हैं उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जब उन्हीं बर्तनों में आप खाना खाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और बर्तनों की जितनी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। वही अनिद्रा से परेशान लोगों को, जिनको रात में नींद नहीं आते हैं, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम जो इस फलसफे में चलते हैं, जो नींद नहीं आने की बीमारी से परेशान रहते हैं, रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे, अपने तकिए के नीचे लहसुन रख लीजिए। लहसुन के इस टोटके से आपको अच्छी नींद आएगी और स्ट्रेस तनाव भी कम होगा। बिल्कुल, तो कैसे आप मालामाल बन सकते हैं, कैसे अच्छी नींद पा सकते हैं, ये तो पंडित जी ने बताया। लेकिन पंडित जी, चूंकि सब लोग ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए जैसे कि आप बता रहे थे, तो किन लोगों को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि आप में से, हम में से किन लोगों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लहसुन प्याज का सेवन किनको? जो लोग नियमित रूप से भगवान का पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, उन्हें कभी भी भूलकर लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन करते हो रोजाना, उन्हें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भूलकर भी तुलसी की माला धारण नहीं करें, तुलसी की माला कंठी धारण करके लहसुन प्याज नहीं खाएं। रुद्राक्ष पहनने वाले लोगों को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मोटापा बढ़ रहा हो, दुर्घटना एक्सीडेंट हो रही हो, हर काम में समस्या आती हो, तो मंगलवार, गुरुवार, रविवार को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर आज बगैर लहसुन खाए, प्याज खाए भी आप जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई आज लहसुन प्याज की कि किस तरह से ये आपके ग्रहों से संबंधित होती है, किस तरह से इसके उपाय करके आप मालामाल भी बन सकते हैं, तो अपनी बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं, तो घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे उपाय लहसुन प्याज के बताने के। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, सोमवार से शनिवार आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन विशेष तरह की चर्चा जो हम करते हैं उससे आप लाभ भी पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।